इस चट्टान के नीचे और आज स्टे है। क्या? हाँ, नीचे कुछ बिछा दिया? नीचे क्या फटेगी रात में? पक्का फटेगी रात में ब्रो। फूक मार के देख। फूक ये हमारा टेंट। अभी रात हो चुकी है, रात हो नहीं, मैं आपको टाइम बताता हूँ। अभी हुई कितना? हाँ अभी हो रहा सिर्फ 6 PM और सुन हो चुकी है। आपको आई थिंक लाइट दिख रहा होगा कहीं दूर, दूसरा वो भी कैंप लग रखा है राइट। बाकी कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं पाएगा, माउंटेन्स नहीं दिखेंगे। तो अभी बस ही कैमरा एक मेरे हेड लैम्प लगा हुआ है मेरे राइट। बाकी मेरा पार्टनर अंदर है तो अभी से थोड़ी सी ठंड लग गई है। बाकी अपडेट मैं आपको मॉर्निंग सुबह करूँगा। अभी बाहर से आने के बाद टेंट में आ चुका हूँ मैं राइट। और हमारा जो लोकल गाइड है वो मूवी देख रहा है बाहर, मस्त कार्टून नेटवर्क राइट। तो ऑफर कर रहा था कि भैया मूवी देखते साथ में। मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ स्लीपिंग बैग में अंदर राइट। और बस क्या बताएं, अभी जो का जो टेम्परेचर है मे बी -10 तो है ही, डेफिनेटली है ही, उससे वो भी होगा राइट क्योंकि जिस सारी कंडीशन है। हाँ डाउन में और नेगेटिव में। तो मेरा भी विकास भाई बैंड बजी गई थी अभी, मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग अभी इसका मैंने ऑक्सीमीटर से चेक करा था, ऑक्सीजन लेवल 71 था जो बहुत मतलब नॉर्मल से बिलो था काफ़ी exactly. और मैंने अपना चेक करा तो मेरा 91 था। ओके गुड। तो ये देख के मेरी फट गई थी फिर मैं जूते पहने फटाफट से और फिर मैं गया अपने ट्रैक लीडर के पास। एक्चुअली इनका कैंप काफ़ी दूर लगा हुआ है स्नो के मतलब बीचों बीच। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम एक चट्टान के नीचे हैं जहाँ पर थोड़ा हवा का दबाव थोड़ा मतलब इतनी हवा नहीं चलेगी, बच जाएंगे, स्नो भी नहीं गिरेगी, ये बेनिफिट था। बस कैंप दूर है तो वो मैं बात करने गया उनसे, उनकी भी टीम के कुछ बंदों की हालत ख़राब है ऑलमोस्ट। तो अभी कुछ नहीं, यही मिला सहानुभूति कि अभी रात को ट्रैक मतलब डिसेंड नहीं कर सकते राइट। तो सुबह देखते हैं तबीयत कैसी है। बाकी मेरे को थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि मतलब फील हो रहा था तो मैंने वाटर वर्क इंटेक जो भी किया थोड़ा रिलीफ है। बाकी सुबह देखते हैं। और अब भी आपको बताऊं अब जो टाइम हो रहा है ना वो 6:30
6:30-7 बज रहे हैं। हाँ 6:30-7 बज रहे हैं इतने, इसके बीच का टाइम हो रहा है। और अभी बहुत लंबा सफ़र है मतलब हमारा यहाँ पे स्टे करने का। अभी सुबह 5:30-6 बजे तक यहाँ यहीं पे रहना है हमें कैंप में, फिर उसके बाद हम क्वारी पास के ले जाएंगे। और आई थिंक हर कोई वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ हर कोई सबमिट कर बनाता है वीडियो, या फिर स्टार्टिंग का बनाएगा, जो अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, जो रियलिटी होती है ना वो कोई नहीं दिखाता। सही बताओ कि बीच में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, वो कोई डिस्कस नहीं करता, राइट। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी चीज़ें एट द एंड बोलूँगा, बाकी कुछ तबीयत खराब हुई थी, नॉट तबीयत खराब नहीं हुई, एक्सट्रीम वेदर था हमारा, पैर के पत्थर जैसे हो गए थे, गरम उबलता हुआ खोलता हुआ पानी मैंने इसके बोतल में मतलब पैर में डाला। एक्चुअली क्या नाम है, आज मॉर्निंग में GoPro नदी में गिर गया था, छोटी सी रिवर थी तो हमें उतरना पड़ा था पानी के अंदर, तो उसमें शूज़ भी गीले हो गए और सॉक्स भी गीले हो गए। उसके बाद 7-8 किलोमीटर उसी गीले शूज़ में ट्रैक करना, ऊपर आना और टफ पड़ गया, शूज़ गीले हो गए थे, शूज़ गीले हो गए, शूज़ के ऊपर और आइस। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं गाइड करूँगा, मतलब गाइड इन द सेंस मैं तो कोई ट्रैक लीडर नहीं हूँ, ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन की है। एक छोटी सी चीज़ आपको सबको सहूलियत दूंगा भाई, लोअर मतलब जो वार्मर था वो पहन के कभी ट्रैक मत करना। और मेरे भाई ने 2 जोड़ी सॉक्स लाया था और 2 जोड़ी सॉक्स पहन रखी थी, अब वो 2 जोड़ी गीली हो गई, उसकी वजह से पूरी बॉडी ठंडी हो गई। वो तो फिलहाल ये बस सॉक्स था नया रखा हुआ था, रखा हुआ पहना हुआ, उसका साइज बड़ा है, पानी बस पहन लिया, पानी की बोतल में गर्म पानी भर के उसको बॉडी के अंदर डाला है, पैरों पे डाला है, जब जाके लेवल इंक्रीज किया है बॉडी का, नहीं तो बहुत डाउन जा। इसी रही रीजन था, ऑक्सीमीटर में भी 71 आ रहा था, वो तो अच्छा था ऑक्सीमीटर में सब लेके आया था, थैंक यू अनुराग सर, उन्होंने मेरे को दिया था ऑक्सीमीटर। और चेस्ट पेन था हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड, ये भी कुछ अच्छे सिम्टम्स नहीं थे। एग्जैक्टली इसलिए मैं फटाफट मैं गया। ये सर्दियों के अंदर चीज़ें होती है जब आप एक्सट्रीम वेदर के अंदर आते हैं, क्योंकि बॉडी अडेप्टेशन नहीं होती, अब बॉडी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। अब जैसे कि बॉडी ने अडेप्ट किया है और अब बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास है, कहीं पेन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बट मैं प्रिकॉशन लेके रखेंगे, अंदर ही रहेंगे। छोटी चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे भाई ने ही बोला अडेप्टेशन, मोस्टली वैसे बताता हूँ जो अडेप्टेशन की बात हो रही है ना, मतलब वो मोस्टली आपकी नीचे ही हो जानी चाहिए, शायद मे बी ना हुई हो ऐसा भी, क्योंकि जो अडेप्टेशन होता है वो आपका नीचे बेस कैंप ही मतलब बहुत जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहीं पर होना चाहिए। मोस्टली लोग मैंने देखे कि जैसे तुरंत ट्रैवल करके आए और तुरंत ट्रैक स्टार्ट कर दिया, वहाँ दिक्कत होती है, वो फंसते हैं एकदम से, हाइट गेन हुआ ठीक है, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, किसी को भी अगर स्नो में ट्रैक करना है गाइस, अपने साथ पूरे इक्विपमेंट्स लेके आना। इक्विपमेंट्स बोले तो मतलब जैकेट अच्छा होना चाहिए, -20 डिग्री तक उसको मेंटेन करें, आपको जो स्लीपिंग बैग है वो -20 डिग्री पे जा रहे हो उसका पहले आपको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए कितने टेंपरेचर। ऐसा नहीं है कि हमें डिटेल नहीं है, हमें पूरा डिटेल है, पर वही है कि एक अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मेरे शूज के अंदर पानी घुस गया था तो उसने काम खराब कर दिया। इवन अभी मैंने आयुषी शूज पहने थे तो मैं टॉयलेट गया था, वो भी ठंडे लग रहे थे मेरे को, आप समझ रहे हो सर्दी में हो जाता है, वो समझ रहे हो कितना एक्सट्रीम लेवल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और अपने इंडियन आर्मीज को, इंडियन आर्मी पर्सन्स जो भी सियाचिन पे लगे हुए हैं और IDPP जो हिमालय रेंज में हमारी देश की सेवा करते हैं, सल्यूट है सर आप लोगों को। आज पता चल गया तो -50 आज पता चल गया यार आप कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हो, ये एक नया एक्सपीरियंस मिला हमें भी कि कैसे क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती। बट मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जिसने भी दिमाग में मतलब बोलता है या सोच रहा है कि इधर आना है गाइस, पहले अपनी फिटनेस उस लेवल तक लेके आओ, उसके बाद उस एक्सट्रीम वेदर से लड़ने के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए, अच्छे टेंट होना चाहिए, अच्छा स्लीपिंग बैग होना चाहिए, इवन गुड खाना, ड्राई फ्रूट्स जो गर्म आपको रखे 24 घंटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आरुष बताएगा आपको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, और चीज़ें अगर ऐड ऑन करेगा ये तो भाई बताना क्या। मैंने तो आधे से पहले भाई ने दूध दिया उसमें डाला मैंने अंजीरी फिग एकदम जम गया था, दांत चबाया जा रहा था, मैंने दूध में डाला मखाने डाले, ओए होए दूध में डाल के खाया उसे दबा के,
तब जाके रिलैक्स आया। और आपको बता दूं, मैंने अभी हमने लंच नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन हो गया था भाई का, मेरी थोड़ी फट गई थी, हाँ कह सकते हो, ठीक है, बट कामली इसको मैनेज किया। बट घर से जो गोंद के लड्डू आए थे उसमें बहुत सारी चीज थी, ड्राई फ्रूट्स, तिल, मेवा डाली हुई थी और बेसन, उससे काम चलाया। और उसने रियली यार एनर्जी दी है बॉडी के अंदर, मतलब ट्रैक कर, जो हमने ट्रैक किया है, एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो हमने ट्रैक किया है 8 किलोमीटर का, उसमें से आप 5 किलोमीटर ना 45 डिग्री का लगा ऊपर ट्रैक, जो 45 डिग्री हम ऊपर आए, आप समझ रहे हो, मतलब कितना टफ था वो ट्रैक, 45 डिग्री इंक्लाइन पे चल के हम आए हैं। हमारी मतलब वही, अब यहाँ पे वही आता है आपकी फिटनेस कैसी है, आप कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे आप ट्रैक कर रहे हो। और हमने देखा आधे लोग नीचे के आधे रास्ते से नीचे चले गए, ऊपर आए ही नहीं, और अभी भी इवन अभी भी जिनकी हालत ख़राब हो रही है वो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यार वही एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पे, आसान बात नहीं है यहाँ पे आना और स्टे करना और पूरी रात निकालना। सेम ऐसे ही जब मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र के दो बंदे थे तो गिव अप कर ही रहे थे, तो उनको बस पुश करके अंडरलाइन थोड़ा सा मतलब पुश किया, बस कैसे करते वो भी आ ही गए, मतलब उन्होंने भी खुल रहा कैंप तक वो पहुँच ही गए हुए। आई होप अब वो ठीक होंगे, राइट, वो किसी और ग्रुप के थे, दो जने थे वो, और किन सेल्फ आए कैसा है वो तो मुझे इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। बाकी मेरा हमारा ट्रैक बंदा कृष्णा भाई अच्छा था, ठीक है, और ठीक है, गुड, और देखते हैं कल क्वारी पास ट्रैक हो पाता है या नहीं। कैमरा थोड़ा शिवर हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी देर से हाथ में लगे ऊपर की तरफ रखा हुआ है, पकड़ रखा है, इसलिए शिवर हो रहा है। तो कल देखते हैं हम दोनों की अलग सिचुएशन कैसी रहती है, देन क्वारी पास के लिए हम जाएंगे। और अभी डिनर करना बाकी है, अगर होपफुली मतलब होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वरना फिर सुबह मिलते हैं, क्यों भाई, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, लव यू फैमिली। या दो चेक करते हैं कितना, 1 किलोमीटर रात को चाहिए बॉस। तो अभी खाते हैं खाना दोनों भाई, फिर देखते हैं, भूख लग रही थी बहुत देर से। हेलो, गुड मॉर्निंग, और अभी बजे हैं मॉर्निंग के मतलब सुबह के 6 बजे एग्जैक्ट, और मुझे लग रहा है शायद थोड़ी बहुत हल्की स्नो हुई है तो थोड़ा सा बज रहा था, लेकिन हम चट्टान के नीचे हैं तो इतना ज़्यादा हवा चल मालूम नहीं पड़ा, और हवा चल रही थी रात को, बहुत हवा चल रही थी एंड हम बहुत हवा पूरी रात सोए नहीं हम लोग, बस चेक कवर बदलते रहे स्लीपिंग बैग में, करवट भी नहीं बदल पाए यार, नहीं होता इसमें क्योंकि फैलने की आदत है सोने की, इसमें नहीं होता बस, लेकिन लेफ्ट साइड करवट लिया और बस सीधे हो गए, बस उस साइड जैसे कि कैंप बढ़ रहा है, अभी देखते हैं क्या कंडीशन है, सूरज निकला नहीं अभी, एक चीज़ है कि कैंप के अंदर ठंड नहीं थी, हमने पूरा टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, तो जाते हैं आपको तो हमारा लीडर आएगा बाहर, तो निकलते हैं कैंप से बाहर, शूट करते हैं। अभी सुबह के 9:18 हो रहे हैं, खुल रहे कैंप से हम निकल चुके हैं, पहले अभी
क्वारी पास के लिए समय के लिए हम जा रहे हैं, तो आएगा रास्ता इस तरह से। आगे मेरा ट्रैकिंग पार्टनर विकास और इससे आगे कृष्णा लोकल गाइड हमारा। अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी रास्ता बना है। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ट्रैक करते हुए ऊपर जाना है, ठीक है। फिर वहाँ से सीधा जो माउंटेन है ऊपर पर, वहाँ से क्वारी पास के लिए। ये वहाँ का जो पॉइंट है वो थोड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि अभी मैं वहाँ से नीचे आया हूँ। राइट, ये पूरा पानी का है, यहाँ से ये सब पूरा पानी है। कम ऑन स्लैक लाइन, एक मिनट आई हरा दे। दैट्स गुड आइडिया, गुड। हेलो, कैसे हो? ये हो गया अरेंजमेंट चूल्हे का, गैस का, और ये मैगी बना रहा हूँ खुद सेल्फ। देखते हैं कैसा टेस्ट बनता है। क्वारी पास ट्रैक फुल नहीं हो पाया, राइट, तो सबमिट तो नहीं कर पाए। बहुत छोटे छोटे रीजन थे उसकी वजह से नहीं कर पाए, मतलब हमारे पास स्पाइक नहीं थे कैमरॉन, तो थोड़ा रिस्की था, इसलिए हम एट द एंड हम आधा रास्ता कवर अप भी करा, लेकिन लास्ट पॉइंट पे हम नहीं जा पाए और हमने डिसेंड करा। और अभी हम वापस विलेज में आ चुके हैं और अपना मील इंटेक कर रहे हैं। और ये सूरज भाई विकास माय पार्टनर, और ये सूरज बोल रहा हूँ, और ये हम साथ में जो कंप्लीट नहीं कर पाए उसका एक और सबसे बड़ा रीज़न था वहाँ का जो इंक्लाइन था, वो 50 और 60 डिग्री अब इस तरह, तो मैं नहीं समझ सकती बिना स्पाइक के यू कैन स्लिप और एनी वे। करेक्ट, तो यही एक रीज़न था, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। बाकी फूड सर्विस हमारे भाई सूरज अग्रवाल इंस्टाग्राम पे, मम्मी बोले अच्छा खाना बनाया, अच्छा टेस्टी है। ये सर्विस ऑन माउंटेन मिल जाए तो बहुत ही मजेदार वाली बात है, तो मिलते हैं इसे फिनिश करके।